स्वागत है आप लोगों का फरी थी मार्केट लाइव ની અંદર અને એની સાથે જ આગળ વધીએ પહેલા માર્કેટ ટ્યુ પર નજર કરો 13686 ના લેવલ્સ પર હવે કામકાજ છે અને બેંક નિફ્ટી હજી પણ થોડું ક્રેક કરતું લગભગ 400 પોઈન્ટ્સ નીચે છે 0.25% નો ઘટાડો ત્યાં છે 30472 ના લેવલ્સ ની આસપાસ કામકાજ મિડ કેપ ની ઉપર નજર કરી લઈએ ક્યાં સૌથી વધુ એક્શન છે આજના દિવસ માટે આઈટી નેમ્સ ની અંદર જ એક સારું ટ્રેક્શન હજી પણ બિલ્ટ અપ થઈ રહ્યું છે જેની અંદર હેપીએસ્ટ માઇન્ડ આજે લગભગ 2.5% ઉપર છે સાથે જ એલએનટી ટેકનોલોજી સર્વિસીસ ની અંદર 2.5% ઉછાળો એલએનટી ઇન્ફોટેક પર નજર કરો ત્યાં પણ 1.25% ઉછાળો વિટનેસ થઈ રહ્યો છે સાથે જ પીડીલાઇટના કાઉન્ટર પર પણ નજર કરો 4% ઉછાળો પીડીલાઇટના કાઉન્ટર પર છે બર્જર પેઇન્ટ આપણે ન્યૂ 52 વીક હાઈસ જોયા હવે આ કાઉન્ટરની અંદર પણ થોડીક પોઝિશન્સ એડઅપ થઈ રહી છે ધ્યાન રાખવું જોઈએ એની સાથે જ આપણી સાથે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચુક્યા છે કોસ્મો ફિલ્સા મેનેજમેન્ટ ઓવરઓલ જે ખાસ કરીને અહીંયા આગળથી આપણે કંપનીએ નવી ટ્રાન્સપેરન્ટ પ્રિન્ટેબલ બીઓપીપી ફિલ્મ ટેપ્લોર ડેવલપ કરી છે એના વિશે ચર્ચા કરવા માટે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચુક્યા છે આપણી સાથે સીઈઓ પંકજ પોદાર સર બહોત બહોત શુક્રિયા મેરે સાથ જુડને કે લીએ સબસે પહેલે શરૂઆત મેં યહીં સે કરના ચાહુંગી કિસ તરીકે સે યે જો ડેવલપમેન્ટ્સ કી હમ લોગ બાત કર રહે હૈ વો ફ્રુક્ટિફાઈ હોતે હુએ દેખ પાએંગે કિસ તરીકે સે આગે આપ ઇસકા બેનિફિટ મિલતે હુએ દેખેંગે થોડી ડિટેલ્સ અગર આપ મુજે દે પાએ બાકી ઓર ડિટેલ્સ ડિસ્કસ કરે ઉસસે પહેલે માર્કેટ સાઇઝ કિતની હૈ થોડા બ્રીફ આઈડિયા હાં જી टेप्लॉर एक हीट रेजिस्टेंट बीओपीपी फिल्म है कॉस्मो फिल्म्स की तरफ से ये काफी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिससे कि एक ही तरह के मटेरियल से एफएमसीजी कंपनीज अपनी पैकेजिंग बना पाएंगी जो कि एक सही तरीके में सही मान्यता में रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट का हमने ऑलरेडी पेटेंट अप्लाई कर दिया है ये वर्ल्ड में पहली बार ये प्रोडक्ट बना है और हमने टेप्लॉर ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर दिया है और इसके रॉ मटेरियल पे हमें पूरी एक्सक्लूसिविटी रहेगी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टेप्लॉर आने वाले समय में 75 से 100 करोड़ का प्रोडक्ट बनने वाला है अगले 3 साल में ओके 75 से 100 करोड़ का ओवरऑल प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं अच्छा इसकी डिमांड जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा है तो ऑलरेडी ऑर्डर्स आना शुरू हो चुका है कुछ डिटेल्स आप मुझे इसके ऊपर दे पाए और साथ ही एक और चीज मैं इसमें खास जानना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कितना एंजॉय करते हुए आप दिखेंगे कितना स्प्रेड यहाँ से होने की उम्मीद की जा रही है तो इस प्रोडक्ट की काफी डिमांड है बिकॉज सारी एफएमसीजी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को रिसाइक्लेबल बनाना चाहती हैं मोनो मटेरियल बनाना चाहती हैं तो ऑलरेडी बहुत जगह पे इसके ट्रायल्स चल रहे हैं हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं और बाहर भी चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी समय में इसकी रेवेन्यू हमारे को ऑलरेडी आना शुरू होगी हमने इसको बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है अपने कस्टमर्स के लिए और मार्जिन के परस्पेक्टिव से हमें 15-20% का मार्जिन इस प्रोडक्ट में आता हुआ दिख रहा है ओके अग्रीड सर अच्छा इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस अगर बात करने जाए बीओपी पे प्राइसेस क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो सजेस्ट कर रहे थे पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा बहुत यहाँ से इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखा है आपकी तरफ से कमेंट एक्चुअली मंथ ऑन मंथ और साथ ही में मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपेयर करना चाह रही थी वो किस तरीके से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं तो बीओपी पे प्राइसेस पहले से बेहतर है पिछले साल से भी बेहतर है और पिछले महीने से भी बेहतर है उसका एक रीजन ये है कि रॉ मटेरियल काफी शॉर्टेज में चल रहा है रॉ मटेरियल जो पॉलीप्रोपिलीन है वो काफी बढ़ोतरी पे है जिसकी वजह से फिल्म भी थोड़ी सी बढ़ोतरी पे चल रहा है मैं ये जान के बताना चाहूंगा कि हम लोग कंसिस्टेंटली मटेरियल ऑर्गेनाइज कर पाए हैं और लाइनें चल रही हैं और इसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस में तेजी जरूर है ओके अच्छा इन टर्म्स ऑफ करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाए और साथ ही में इस ईयर की बात करने जाए सेकेंड हाफ कैसा दिख रहा है आपको हमारी लाइनें पूरी यूटिलाइज्ड हैं इस वक्त हमें एक लाइन को पीछे बंद करना पड़ा था क्योंकि उसमें एक हमें मेजर चेंज ओवर लेना था जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 30 दिन लगेंगे लेकिन हमने 17 दिन में किया जो कि एक वर्ल्ड कीर्तिमान है और हमें H2 H1 से थोड़ा बेहतर दिख रहा है मार्जिन पर्सपेक्टिव से क्योंकि डिमांड काफी स्ट्रांग है इस वक्त पैकेजिंग फिल्म्स की और लेबल फिल्म्स की
ओके अच्छा मुझे याद है सर, पिछली बार आप जब बात कर रहे थे आपने बताया था स्पेशलिटी फिल्म्स को लेकर यहाँ से टारगेटेड जो रेवेन्यू है उसके अंदर काफी बेहतरीन बढ़ोतरी होने की उम्मीदें की जा रही है नेक्स्ट 2 to 3 years के लिहाज से बात करें तो। अब कंडीशन क्या है, कितना इंप्रूवमेंट वहां से दिखा है, क्या सिमिलर टारगेट्स पे आप इंटैक्ट है, नियरली 50 to 70% ग्रोथ दिखने की उम्मीद थी, कुछ डिटेल्स। तो पिछले 3 साल में हमने एक बढ़ी हुई वॉल्यूम पे अपने स्पेशलिटी की वॉल्यूम को 40% से करीब करीब 60% पे लाए हैं और आने वाले अगले 2 से 3 साल में हम इसको 75% तक का ले जाने की बात कर रहे हैं, जिससे हम बड़े ही कंसिस्टेंट मार्जिन दे पाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, पास्ट में जो इन्वेस्टर्स ने देखा है कि फिल्म के मार्जिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं और जिससे उन्हें लगता है कि यू नो इन कंपनीज में काफी फ्लक्चुएशन है, लेकिन जैसे जैसे हमारा स्पेशलिटी फिल्म एक कंसिस्टेंट आएगा तो हमारे मार्जिन भी काफी कंसिस्टेंट और बेहतर होते जाएंगे जैसे जैसे स्पेशलिटी में ग्रोथ आएगी। इस साल भी हम करीब करीब 16% की ग्रोथ पे हैं लास्ट ईयर की ग्रोथ से, और अब क्योंकि हमने एक लाइन कन्वर्ट कर ली है स्पेशलिटी की तरफ और एक लाइन हम जनवरी में कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें लगता है हमारी ग्रोथ और स्ट्रांग होगी आने वाले समय में। ओके अग्रीड सर, और साथ ही में रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर भी आपकी कुछ कमेंट्स आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया स्प्रेड इंप्रूव हो रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसिंग किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? तो रॉ मटेरियल प्राइसिंग पिछले 2 से 3 महीने में 20 से 25 रुपए बढ़ी है पॉलीप्रोपिलीन की, और एक और रॉ मटेरियल जो हम काफी यूज करते हैं ईवीए, उसमें तो करीब करीब रॉ मटेरियल डबल हो गया है। तो जो रॉ मटेरियल 100 रुपए था आज की डेट में 180 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो रॉ मटेरियल काफी तेजी पे है और इसी के मुताबिक कुछ ना कुछ बीओपी पे में भी तेजी आ रही है। ओके मतलब आउटलुक काफी बेहतरीन यहाँ से दिख भी रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स पर बात भी करेंगे और साथ ही में बाकी के अपडेट्स के ऊपर भी एट लास्ट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपने साथ कॉस्मो फिल्म्स का मैनेजमेंट जोड़ाया था अने जे रीतना नवा खास पैकेजिंग ની વાત કરી રહ્યા હતા ત્યાંથી એક મોટું જે રનઅપ આવતું દેખાશે, જે માર્કેટ સાઇઝ છે આ પ્રોડક્ટની એ ખાસી મોટી છે, તેની ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવું કેવી રીતના ટર્ન આઉટ થતું દેખાય છે, પેટન્ટ રજિસ્ટર કરી ચૂક્યા છે તેની ઉપર નજર રાખતા રહીશું, 8.5% સ્ટોક ઉપર ઓલરેડી છે 461 લેવલ્સની આસપાસ કામકાજ, એની સાથે જ આગળ વધીએ આપણી સાથે HDFC સિક્યોરિટીઝના દેવર્ષ